तक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। काफी बच्चों का ये डिमांड था कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं एएसआई अकाउंटेंट में जिनके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया है, कहीं ना कहीं उनको भी जो है आपका टंकड़ के लिए लिस्ट में जो आई है टंकड़ की लिस्ट आपकी लेखा वाली 900 समथिंग पोस्ट आपके जो बच्चों को पास किया गया है कि वो अकाउंटेंट में होंगे, उनमें उनका नाम था लेकिन उनको पास बीकॉम डिग्री नहीं है। तो यहां पर आयोग ने साफ साफ, आपको मैं बता दूं, यहां पे आयोग ने देखिए साफ साफ बोला है कि भैया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में प्रास्नातक डिप्लोमा, समझ रहे हो, पीजी हो या सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आहर्ता वो रखता होगा तभी वो टंकड़ की परीक्षा में बैठ पाएगा। यहां पर साफ साफ बोला गया है, आप देख सकते हो, यहां पे बोला गया है क्या कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा स्तर पर चेक किए जाने पर प्रकाश में आया है कि संलग्न सूची के अनुसार 290 अभ्यर्थी सहायक उपनिरीक्षक लेखा मतलब असिस्टेंट वाले में एएसआई जो आपका अकाउंटेंट वाला है उसमें 290 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, अकाउंटेंट की डिग्री नहीं है। तो यहां साफ साफ बोल दिया कि अगर लेखा के लिए आयोजित टंकड़ परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य नहीं है इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनको बाहर होना ही था किसी भी कीमत पे। यहां पे आयोग ने भी नोटिस जारी कर दिया। अब उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि ठीक है लेखा में भी उनका नाम था, डिग्री नहीं है, लेकिन उनका नाम कहीं आपका मिनिस्टीरियल और कॉन्फिडेंशियल में भी है तो वो अपना कॉन्फिडेंशियल की तैयारी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको, आप सोच रहे थे कि नहीं हम बिना लेखा की डिग्री लिए अकाउंटेंट में हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और भी जो भी अपडेट मिलेगा, अभी कई और नोटिस आने बाकी हैं क्योंकि कई बच्चों ने जो अभी समस्या चल रहा था कि एक दो लिस्ट में उनका शुरुआत में नाम था लेकिन अभी लिस्ट में नाम नहीं है तो वो काफी भागा दौड़ी कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं आयोग में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सूचना जरूर मिलेगा इसके संबंध में। तो जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है मैं जरूर आपके सामने लाइव आऊंगा। अभी तक तो यही है, और कोई अगर आपको समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।